इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और सामना अखबार की जो प्रतियां हैं वो जलाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज का जो सामना संपादकीय लिखा गया था उसमें जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उनको लेकर कई सारे विवादित शब्दों का प्रयोग किया गया था और मुख्य तौर पर यह कहा गया था कि दिल्ली ने देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक श्राद्ध करने का कोशिश किया और उसी के चलते जो यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो बेहद ही आक्रोशित आपको नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि संजय राउत के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ में हाथों में पेपर लेकर यहाँ पर सामना अखबार की कई सारी प्रतियां जो हैं वो जलाई जा रही हैं। मौके को देखते हुए यहाँ पर जो है वो पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है उसको होने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि लगातार सामना अखबार के जरिए सरकार पर हमला बोला जाता है लेकिन आज का जो सामना अखबार का जो एडिटोरियल था उसमें खास साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर निशाना साधा गया था और ये कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस 2019 में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं और जिस तरीके से वादा करने के बाद जो बीजेपी मुकर गई उसके गवाह जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। साथ ही ये कहा गया कि किस तरीके से दिल्ली ने देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक श्राद्ध करने की कोशिश की इसी बात से जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो बेहद ही नाराज़ हैं और यहाँ आप देखिए कि तस्वीरों में इसी बात को लेकर सामना अखबार की प्रतियां जलाई जा रही हैं और ये कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सामना अखबार में उनके एडिटोरियल में वो बेहद ही निंदनीय है। सामना संपादकीय में राज्य के उप मुख्यमंत्री को लेकर आज हमला किया गया, ये कहा गया कि 2019 में जो बीजेपी और शिवसेना के बीच का गठबंधन टूटा उसके लिए साफ तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सामना में ये लिखा गया कि दिल्ली ने किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक तौर पर श्राद्ध करने की कोशिश की इसी बात से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता कई नेता जो हैं वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर सामना अखबार और संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, आप बताइएगा कि सामना अखबार में ऐसा क्या कुछ लिखा गया जिससे आपकी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। सामना अखबार में हमारे जो नेता है सबके हमारे केंद्र बिंदु है पूरे महाराष्ट्र के हमारे जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी उनके लिए उन्होंने ऐसा लिखा गया है कि उनको ऐसा लगता है कि उप से मुख्य से वो उप हो गए हैं तो उन्होंने जो कामकाज है उनकी अवस्था है वो जो द्वेषी बना दी है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इनकी अवस्था अभी जो शिल्लक सेना बची हुई है ना उसकी वजह से इनकी अवस्था देशी भी नहीं रही है, इसके लिए कुछ भी अनशन बके जा रहे हैं। इनको हमारा यही इशारा है कि अगर ऐसे ही ये जो वृत्त पत्र है उसमें अगर कुछ भी टिप्पणी करते रहे तो हमारी महिला मोर्चा होने दो या युवा मोर्चा होने दो इतनी ही आक्रामक होकर रास्ते पर उतर जाएगी, फिर ये लिखने के लायक भी नहीं रुकेंगे और ये कुछ भी करने के लायक नहीं रुकेंगे। आप सीधे तौर पे ये भी कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली ने जो है वो राजनीतिक तौर पे श्राद्ध करने की कोशिश की, श्राद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या है ये बेशरम लोग है। इनको देवेंद्र जी, हमें घमंड है कि देवेंद्र जी ऐसे नेता है जिनके काम पर ये किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर पा रहे, तो ये कामों पर जब टिप्पणी नहीं कर पाते कोई भी व्यक्तिगत तो इधर उधर की बात करता है, तो ये बस इधर उधर की बात करके भरकरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम कुछ बोलेंगे और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो ये भूल कर रहे हैं। ये आज से रिएक्शन की शुरुआत हुई, आगे आक्रामक होते जाएगा और देवेंद्र जी के बारे में एक शब्द भी हमारे पार्टी का कोई एक व्यक्ति भी सेवट का जो कार्यकर्ता होता है वो भी सुन नहीं सकता। बस अभी ये शुरुआत है, फिर आगे आगे देखिए क्या होता है। सामना में तो ये भी लिखा गया कि देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि मैं दोबारा सत्ता में वापसी करूंगा लेकिन उन्होंने सत्ता में वापसी की लेकिन गद्दारों के साथ वापसी की है। नहीं नहीं, ये उनकी गलत फहमी है। जब वो कोई चीज़ गलत करे तो वो उनका मापदंड होता है कि ये सही है ये गलत है, दूसरा व्यक्ति करे तो इनका मापदंड होता है। ये पूरी तरह से वो अपने फेवर की राजनीति, उनको जो ठीक लगती है वो सही है, जो सामने वाला करे वो गलत है, ये पूरी बुद्धिहीनता है। और इनका क्या है, ये दिन ब दिन छोटा पक्ष होते जा रहा है, महाराष्ट्र का सबसे छोटा पक्ष होते जा रहा है, तो बस उसी को लेकर ये सब उनका एग्रेशन है, पागलपन है। दिया जब बुझने वाला रहता तो उसके पहले बहुत फड़फड़ाता है। तो ये अजीत पवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस अजीत पवार को लेकर फडणवीस ये कहा करते थे कि जेल जाएंगे चक्की पीसेंगे आज उन्हीं के साथ सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन की स्टेट में है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की स्टेट में नहीं है।
ये सोची समझी हुई सरकार बनाई हुई है। और हम जो चाहते हैं युवा मोर्चा के माध्यम से कि जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और देवेंद्र जी के ऊपर टिप्पणी करना ये आसमान पे थूकने के बराबर है। तो अगर वो थूक रहे हैं आसमान पे तो बट ऑब्वियस है कि थूक उनके मुंह पे ही गिरेगी, और इसका जो आक्रमण है ये युवा मोर्चा बहुत अच्छे से उनको जवाब देगा। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं, कि आप लोगों ने आज बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रतियां जलाई हैं सामना की, आगे किस तरीके से आप लोगों का रुख रहेगा, क्या आप लोग और भी आक्रामक रुख अपनाएंगे? हमारा रुख यही है कि जो विषय गलत विषय लेकर इन्होंने जो लेख लिखा है उसको लेकर ये माफ़ी मांगे, नहीं तो हम ऐसे ही तरह से दिन ब दिन और आक्रामक होते जाएंगे करके। और रही बात अजीत पवार को लेकर जो आपने सवाल पूछा, तो अजीत पवार इनके साथ थे तो हीरो थे, और फिर यहाँ आ गए तो इनके लिए बुरे हो गए। तो इनको ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, और जिनके वजह से इनके साथ खड़े रहकर सत्ता मिले तो अच्छा है, सत्ता वो व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा जाए तो खराब है। बस इनकी यही राजनीति है, इनका एंड ऑफ द डे बस मोटो है सत्ता, और बिना सत्ता के इसी तरह ये पागल हो जाते हैं और कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आप सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि जब तक सामना में लिखे गए संपादकीयों को लेकर माफी नहीं मांगी जाती है, तब तक संजय राउत के खिलाफ इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा, और अगर माफी वो मांग लेते हैं तो प्रदर्शन रोक दिया जाएगा, लेकिन माफी अगर नहीं मांगते हैं तो प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा, और आने वाले समय में जो युवा मोर्चा है वो अपने स्टाइल में उन्हें जवाब देगी। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।